मुरैठी गांव के सम्मानित बड़े बूढ़े बुजुर्गों और नौजवान साथियों, सबसे पहले आप सबको बहुत धन्यवाद कि आप सब देर से इंतजार कर रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए। और हम लोग लगातार सुबह से कार्यक्रम कर रहे हैं, दूरी ज्यादा होने की वजह से थोड़ा समय आगे पीछे, लेकिन यही इस तरह के काम की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इस पूरे कार्यक्रम के लिए सब लोग अपना जरूरी काम छोड़ करके यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यही इस ताकत को और पार्टी को, विचारधारा को मजबूत करेगा। और चुनाव का समय है, मैं यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 14-15 साल प्रोफेसर रहा हूं। अभी शिवम जब बता रहे थे शुभम कि जो है विचारधारा का काम करने की वजह से, सच बोलने की वजह से, ईमानदारी से काम करने की वजह से सरकार चलाने वाले लोगों को यह मंजूर नहीं हुआ कि कोई प्रोफेसर हमारे ऊपर सवाल कैसे उठा सकता है, जैसा हम सोचे वैसा बोले। आप लोग भी तो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, हमारा अपना प्रदेश ही है, आजकल यहां भी वही माहौल नहीं है कि तुम हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे को मुकदमा करवा देंगे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुम हमारे खिलाफ चुनाव प्रचार करोगे, हम तुम्हारे ऊपर झूठा मुकदमा करवा देंगे, वही हमारे साथ में। तो अन्याय अन्याय ही होता है। नौकरी से निकाल दिया हमें तो उन्हें लगा कि डर जाएगा, चुप हो जाएगा, प्रोफेसरी की नौकरी छीन लेंगे तो चुप हो जाएगा, डर जाएगा। तो हमने ये सोचा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा। डरना हम लोगों के खून में ही नहीं है, विचारधारा में ही नहीं है, क्योंकि गलत तो किया नहीं। सच करने के लिए जो सजा मिले उसे फूल माले का स्वागत असली नहीं होता है, असली ये होता है कि गलत का विरोध आपने किया कि नहीं किया, जिस समय जो लड़ाई लड़नी थी वो लड़े कि नहीं लड़े, इसी से सारी चीजें तय होती हैं। तो आज हमने फिर ये तय किया कि बताइए, अगर देश ही नहीं बचेगा, संविधान ही नहीं बचेगा, हमारे मजदूर किसान नहीं बचेंगे, नौजवानों का भविष्य नहीं बचेगा, तो एक आदमी नौकरी लेकर क्या करेगा। हमारे अपने पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही देख लीजिए, कुछ लोग सरकार में आए थे 10 साल पहले तो कहे थे कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, आमदनी दुगनी कर देंगे, दुगनी हुई क्या? हमें यह पता चला, हमने जब शोध किया खोजा तो आमदनी दुगनी करने का वादा करके लोग सरकार बनाए और कर्जा दुगना कर दिए। पता है 2014 में इस देश के किसानों के ऊपर 46 रुपए का कर्जा था, आज वो 73-74 रुपए कर्जा हो गया। उदाहरण दे, तो कहां आमदनी दुगनी करने के कर्जा दुगना हो गया। और किसानों का ऋण माफ करना था, उद्योगपतियों का ऋण माफ कर दिया, 16 लाख करोड़ रुपया। वो एक नारा लगा के आया था वो फकीर, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। नौजवानों आप लोग रील देखे होंगे, आप लोग भी रील्स में देखे होंगे, ये नारा कौन बोला था। अभी उसके वाले नारे थोड़ा ताली बजाने, हमारे वाले बजाना और पूरी बात सुनना और समझना है। खामोश में कैसे हो जाऊं, अब मैंने कसम उठाई है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। 2014 में नारा लगाया है, और जब प्रधानमंत्री बन गए बैंक बेच दिया, बेचा कि नहीं बेचा, रेलवे बेच गई, प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपए मिलता था, आज कितने मिल रहा है? 10 रुपए। ट्रेन नहीं कहा था बुलेट ट्रेन चलाएंगे, जो ट्रेन चल रही है उसमें टिकट नहीं मिल पाता है, गाजर मूली की तरह लोग भरे जाते हैं।
और वंदे भारत चल रही है उसका टिकट इतना महंगा गरीब आदमी उसमें जा नहीं सकता, टिकट मिलेगा ही नहीं। 3,000 रुपया से शुरुआत है उस टिकट की, और जिसमें गरीब आदमी चलता है उसमें जाकर के ट्रेन में देख लीजिए हालत क्या है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बैंक सरकारी हुआ करते थे, बैंक बेच दिया, कहा था हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज उड़ाएंगे, हवाई जहाज बेच दिया, और नीचे देखा तो हवाई चप्पल भी बिक गया, सब बेच दिया बारी बारी। अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या बोला था, हमारा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेकर चल, बोला था कि नहीं बोला, और झोला में अपने बहुत कुछ भर लिया। तो 10 साल आपने मौका ऐसे आदमी को दिया, चुनाव का वक्त है ना, चुनाव में सीधे सीधे बात होनी चाहिए। अगर तुमने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे तो कर्जा माफ क्यों नहीं किया? अब इस देश में उनको वोट देना चाहिए जो कहते हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मान्यवर कांशीराम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हमारे अगुआ नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी नारा लगा करता था इस जमाने में कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। पुराने लोग जानते हो, पढ़ाई मुफ्त, दवाई मुफ्त, सिंचाई मुफ्त, ये तो किसान और नौजवान के लिए किया गया। और आजकल बिजली बिल क्या रेट है, हमसे ज्यादा आप जानते हैं, और बिजली आती है तो कोई नया काम नहीं हुआ। काम के नाम पर वोट मांगना चाहिए ना, और भगवान के नाम पर वोट मांग रहा है। भगवान तो दिल में होता है, जिसको जिसको मानना होता है वो दिल में मानता है। आपको तो काम के वोट पर मांगना चाहिए। काम अगर आपने 10 साल में किया तो अपने काम पर वोट मांगिए। उसने कहा था कि 70 साल उन्हें दिया, 60 साल दिया, हमको 60 महीने दे दो। आपने 60 महीने दिया तो कहा एक बार और 60 महीने दे दो। आपने कहा चलो छह बार और 60 महीने दे देते। अब फिर से आगे करा एक बार और दे दीजिए, 2047 तक हम रहेंगे। कहां भाई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जमीन है फरुखाबाद। फरुखाबाद के लोगों, लोहिया साहब और समाजवादी लोग समझाते थे इस देश के लोगों को कि रोटी को उलटते पलटते रहना चाहिए वरना रोटी जल जाती है। सीधी बात, चुनाव क्यों आता है? चुनाव इसलिए आता है ना कि सरकार बदलते रहो अगर काम आपके मन वाला नहीं किया है। ये थोड़े होता है कि हमको बना दिए, आप बताइए अगर कोई एक बार प्रधान बन जाओ क्या अगली बार भी हम ही रहेंगे, फिर उसके बाद भी हम ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता ना भाई। आप अपना काम गिनाइए, दूसरा अपना गिनाएगा, जनता जिसको चुनेगी वो जनता के दिल पर राज करेगा। लेकिन नौजवानों, आपको कहा 2-2 करोड़ रोजगार देंगे और रोजगार मिला क्या? आंकड़ा कह रहा है कि 20 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाले लोग 12 करोड़ नौकरी खत्म कर दिए। अग्निवीर जैसी योजना ले आए, 4 साल की नौकरी, 18 साल में नौकरी पाओ और 22 साल में रिटायर हो जाओ। 22 साल का नौजवान रिटायर होकर घर जाए, 74 साल का बूढ़ा आदमी कहे हमको एक मौका और दीजिए, यह संभव है क्या? 22 साल वाला अग्निवीर वापस आ जाए, नौकरी परमानेंट देने की बजाय नौकरी ठेके पर दी जाए। तो आपका वोट उसे जाना चाहिए जो आपके बच्चों को नौकरी देने की बात करता है। इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा कि अगर हमको सरकार बनाएंगे आप तो 30 लाख नौकरी जो खाली पड़े पद है उसको तुरंत करेंगे, अग्निवीर खत्म करेंगे। नौजवान पढ़ने जाता है पेपर लीक करवा दे रहा है, पेपर लीक हो गया, बताए नौजवानों कितना पेपर लीक हुआ। एक वैकेंसी आज भी, आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तो नीट का पेपर लीक हो गया जो राष्ट्रीय स्तर का होता है। तो जो सरकार वीक है उसका सारा पेपर, सीधा नारा लगाने की जरूरत है, जो सरकार वीक है उसका सारा पेपर। तो जब एक थे परीक्षा ढंग से नहीं करा सकते तो आप काम करने लायक नहीं है। तो अब आपकी उम्र हो गई, अब आप आराम करिए। और अब नौजवान नए लोग जो शिक्षा की बात करते हैं, जो किसानों के कर्जा को माफ करने की बात करते हैं, अब उनको मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए, मिलना चाहिए ना? अब एक बात बताइए, उन्होंने कहा था कि मैं देश नहीं लूटने दूंगा, भ्रष्टाचारियों को 100 दिन के अंदर SIT बनाकर जेल में डालूंगा। और जितना भ्रष्टाचारी है सब BJP ज्वाइन कर लिया, किया कि नहीं किया? असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, उसके ऊपर मुकदमा ED चला रहे थे, और BJP ज्वाइन कर लिया तो मुख्यमंत्री बन गया। ये कैसा है भैया? वॉशिंग मशीन देखे, मैला कपड़ा उसमें डालिए, ऐसा BJP का डिटर्जेंट है कि उसमें साफ होके निकलता है।
तो उधर से भ्रष्टाचारी डालिए और इधर से ईमानदार निकल आता है, ऐसा बीजेपी की मशीन बनी है। बताइए मशीन धोखा है कि नहीं? धोखा, धोखा है कि नहीं? धोखा। अब उसने कहा कि भाई आप पैसा लूटते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड आपने सुना क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड सुना? नौजवान जितने होंगे सब सुने होंगे। आप ताकतवर है, कह रहे हैं कि आपके खेत में जितना अनाज पैदा हुआ है 100 किलो पैदा हुआ तो 20 किलो हमको दो, कहे कि हम गांव के मुखिया हैं, मान लीजिए। तो किसान कहेगा अरे भाई ऐसे कैसे दे दें, जबरदस्ती है कोई? तब फिर गांव वाले प्रधान जी कहेंगे नहीं दोगे तो तुम्हारे खेत के 20 टन नाली निकलवा देंगे। तो वो लेके 20 किलो भाग क्या है, नहीं नहीं हुजूर ले लीजिए। तो प्रधान जी के बहुत अच्छा ही देशभक्त आदमी। यही चोरी है इलेक्टोरल बॉन्ड की। तुम अगर हमको चंदा दोगे तो हम तुमको धंधा देंगे, और अगर चंदा नहीं दोगे तो हम तुम्हारे ऊपर ईडी और सीबीआई भेज देंगे और तुमको जेल में डाल देंगे। बताओ चोरी है कि नहीं? तो देश का सबसे बड़ा चोरी करने वाली सरकार चल रही कि नहीं? पता है आपको कितना रुपया हम लोगों के यहाँ क्या हो कि अगर 10-20-50 लाख रुपया इकट्ठे अगर देख लीजिए तो सीधा साधा आदमी तो बेहोश हो जाए। चंदा कितना लिया पता है? 500 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया, हजार करोड़ रुपया चंदा ले रहे हो आप, और चंदा लेके धंधा दे रहे हो और सारा धंधा गुजरातियों को दे रहे हो। तो बताइए हमारी जेब के पैसा लूटा कि नहीं लूटा? तो लूट और झूठ की सरकार है कि नहीं? बताओ भैया फरुखाबाद के लोगों, लूट और झूठ की सरकार है कि नहीं? जो बोला उसको पूरा नहीं किया तो झूठ साबित हो गया। और आप 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 स्मार्ट गांव बनाएंगे, को जानते हैं? नहीं जानते ना? वैक्सीन लगवाया था कुछ दिन पहले, सब लोग डर गए, रे भाई कोरोना आ गया, पहले ताली बजवाया कोरोना भाग जाएगा। ए, गोबर ओबर आप लोग लीपे थे कि नहीं? आप सब टीवी में बैठ के कहता था गोबर अगर लीप लेंगे तो कोरोना नहीं होगा, गोबर अगर ओढ़ लेंगे तो कोरोना नहीं होगा। हमने कहा गोबर अगर खा लेंगे तब भी नहीं होगा। भाई हम लोग गाय गोबर खेत खलिहान जानवर और इन सब में ही पैदा होने वाले लोग हैं। हमारे घर में जानवर होते हैं लेकिन जानवर के बच्चे को भी पता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। आप हमको धर्म के नाम पर बांट रहे हो, आप हमको जानवर में उलझा रहे हो। आपको हमको काम करके दिखाना था ना भाई, सरकार चुनता है तो आदमी काम करने के लिए चुनता है ना। और आपने कहा था पेट्रोल 35 रुपया लीटर मिलेगा, कितने रुपए लीटर है पेट्रोल? तो जो पिछला प्रधानमंत्री था उसके लिए ये वाले प्रधानमंत्री कहते थे प्रधानमंत्री महंगाई का म नहीं बोल पाते, इतना महंगाई बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार फलाने की सरकार। हम अगर सरकार में आएंगे तो 35 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगा, 100 रुपया लीटर मिल रहे थे। पार्ले जी का बिस्किट पहले होता था 2 रुपया में 10 बिस्किट। महंगाई बढ़ी, समय बढ़ा तो उसके बाद हो गया 2 रुपया में 6 बिस्किट, और बढ़ा तो हो गया 2 रुपया में 4 बिस्किट। अगर यही सरकार रही तो कुछ दिन में हो जाएगा 2 रुपया में 2 बिस्किट या 2 रुपया में 1 बिस्किट। अब याद करो कौन सी चीज की याद आ रही है आपको, खाद की याद आ रही है कि नहीं? खाद की बोरी की पहले 5 किलो कम किया, उसके बाद फिर 5 किलो कम कर लिया। तो बताओ सारी चीज एक एक करके लूट रहे हो किसकी? हमारी जेब की लूट रही कि नहीं? 5 किलो अनाज हमको दे रहे, कितना किलो मिल रहा है? 5 किलो। आजकल सुन रहे गेहूं के साथ साथ उसमें बाजरा दे रहे हैं। बताइए गर्मी, इतनी गर्मी हम लोग यहाँ बैठे हैं, इतनी पसीना हो रहा है, इस गर्मी में कोई बाजरा खाएगा? लोग जानवर को भी नहीं खिलाते इतनी गर्मी, और ठंडी का आइटम। अच्छा चुनाव होता है तो इसके साथ नमक मिलेगा, रिफाइन मिलेगा, चना मिलेगा, और चुनाव बीत जाएगा तब बाजरा मिलेगा, और फिर भी हम लोग नहीं समझेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं खेल? तो जो 5 किलो अनाज मिल रहा है वो भी किसका पैसा है? हमारा। और कोई अपने फूफा के घर से तो नहीं लाया है, कोई अपने जेब से तो नहीं दे रहा है? जनता जो पैसा देती है सरकार उसी से जनता को देती है। एक बात समझ के रखना आप लोग, किसी का कर्जा नहीं है आपके ऊपर कि कोई फ्री में अनाज दे रहा है तो उसके आप गुलाम बन जाएंगे। यह आपका और हमारा पैसा है। और जानते हैं पहले, ये पुराने लोग सारे जानते होंगे, पहले यही अनाज 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया किलो मिलता था ना, 2 रुपया 3 रुपया किलो, उसी को मुफ्त कर दिया। और कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज देंगे, काहे भैया? हमको तो नौकरी तुम देने की बात किए थे, हमारी खेती चौपट करके किसान आंदोलन जब करने गए तो उनको तुम किसानों को लाठी मारे। और बताओ कोई गांव ऐसा है बता दो गांव के लोगों जिसमें झूठा मुकदमा डाल के किसी को जेल में डालने और पुलिस से परेशान करने की बात ना हो? कोई गांव ऐसा है बचा है पूरे उत्तर प्रदेश में?
कोई भी बोलने गया, कोई सवाल करने गया, कोई विरोध करने गया, झूठा मुकदमा लगा के उसके ऊपर जेल में डाल दो। या जितने नौजवान है या आंदोलन करने गए, झूठा मुकदमा लगा के कर दो। और फिर कहते हैं कि समाज आखिरी में केवल एक अपील करना है कि संविधान ने हमको बोलने की आजादी दी। क्या आपके गांव में, ये तो हमने सुना कि भाई हम भी तो यादव बिरादरी से आते हैं, हमारा घर आजमगढ़ हुआ, हम दिल्ली में प्रोफेसर रहे, हमारे यहाँ भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई जाति के नाम पर कोई अपमान कर दे। मैनपुरी में क्या हुआ? इशारा में कह रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैनपुरी में गाली दी कि नहीं, जाति के नाम पर गाली दी? इसलिए ये याद रखना, ये सब जालिम जो सरकार में बैठे ये किसी के नहीं है, किसी के नहीं है, याद रखना। जब मौका मिलेगा किसी को भी अपमानित करने का मौका नहीं छोड़ेंगे। तो भाई एक बात बताओ, गांव में तो जातियां बटी होती थी ना साहब, कि ऊंची जाति के हैं, इनके सामने से कुछ नीची जाति वाला पैदल नहीं जाएगा, ऐसा होता था ना। धीरे धीरे मिटा ना भेदभाव। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम सुने है ना, उन्होंने संविधान लिखा कि अब सब बराबर होंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। और ये सरकार जो बैठी है कहती है कि हम भारत का संविधान बदलना है, इसके लिए हमको 400 पार चाहिए, याद है? और जैसे ही पहले और दूसरे चरण की वोटिंग हुई उनकी हालत खराब हो गई, अब नहीं बोल रहे 400 पार का नारा। इसलिए क्योंकि किसानों ने मन बना लिया है कि लूट और झूठ की सरकार को इस बार बदल दें। पहले कहते थे देश खतरे में, और कहते हैं आपकी भैंस खतरे में। सुना कि नहीं सुना? डरा रहे कर रहे कि फलाने आ जाएंगे, इंडिया गठबंधन वाले आ जाएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो भैंस खोल ले जाएगी। अरे भाई, इतना दिन समाजवादी पार्टी की सरकार रही, किसी की भैंस खोली क्या? अब भैंस पर एक चुटकुला सुना रहा हूं, चुटकुला क्या सही बात है, गांव के लोग सब जानते होंगे। और फिर अपील करके जाऊंगा क्योंकि आगे दो कार्यक्रम अभी लगे, बहुत सम्मानित लोग बैठे हैं। ये सारे लोग जितने भी बैठे हैं ये सम्मानित लोग हैं, ये आपको बाकी बात समझाएंगे, और आप वैसे भी सब समझते हैं। लेकिन अब की जो वोट से आए हैं वो जाएंगे भी तो किससे जाएंगे? इतने का नाम, वोट से आए हैं तो वोट से ही जाएंगे। और क्यों भेजना जरूरी है? कारण भैंस खोल ले जाएंगे। क्यों खोल ले जाएंगे भाई? भैंस गांव में पहले हम लोग भी खेती किसानी वाले परिवार के, तो अंधेरी रात जब होती थी तो भैंस चुराने के लिए चोर आते थे, पुराने लोग जानते हैं। तो गांव के जो मालिक है वो भैंस के गले में घंटी बांधे रहता था कि भाई भैंस अपना यूं यूं कर रही है, घंटी बज रही है, तो घर में सब लोग चैन से सोते हैं कि हमारा जानवर सही है ना। तो भैंस चोर जब आते थे, पहले तो बाउंड्री नहीं होती थी, खुला गांव होता था, तो भैंस चुरा के जब लेके भैंस दौड़ते थे तो घंटी बजेगी। तो चोर सब क्या करते थे कि भैंस के गले से घंटी निकालते थे, अब उस घंटी को लेके चोर एक पूरब भागता था तो भैंस लेके बाकी चोर पश्चिम भागते थे। रात अंधेरी होती थी, अंधेरे में जैसे ही गांव वालों की नींद खुलेगी तो किस तरफ दौड़ेंगे? वो जिधर से घंटी की आवाज आ रही उधर दौड़ेंगे, और दौड़ने लगे, और दौड़ते दौड़ते आगे गए तो चोर घंटी फेंक के भाग गया। वहां गांव वाले दौड़ते दौड़ते पहुंचे तो हाथ में क्या मिला? अब भैंस चोर दूसरी दिशा से भैंस चुरा कर गायब। हमारे भी लोगों की भैंस चुराने वाले कुछ चोर आए हैं, और जिधर से भैंस चुरा रहे हैं हमारे रोजगार की, भैंस चुरा रहे हमारे शिक्षा की, भैंस चुरा रहे हमारी संपत्ति की, भैंस चुरा रहे हमारे महंगाई कमाई पढ़ाई दवाई की, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं धर्म से खतरा है, हिंदू मुसलमान कर रहे हो, जाति को जाति से लड़ाते हो। नहीं भाई, हम लड़ने नहीं देंगे, हम घंटी की तरफ नहीं जाएंगे, हमको अपना भैंस प्यार है, हम भैंस बचाएंगे और उसके बाद हम घंटी को भी बचाएंगे। इसी का इसलिए केवल अब निवेदन करने का समय है, चुनाव के बीच में हम लोग रहे, चुनाव चल रहा है ना भाई, तो वोट से ही तो वो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना गांव के लोग, अगर इस बार ये सरकार में आ गए तो अगली बार आपको वोट देने का भी अधिकार नहीं होगा। ये बात हमारी कहीं लिख करके रखिए, ये खुली तानाशाही ले आएंगे, क्योंकि ये लोग संविधान को नहीं मानते, ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते, आरक्षण को नहीं मानते। बताओ, यादव समाज के लोग कहते हैं कि हम बड़े ताकतवर हैं, ठीक बात है, लेकिन भूल गए 2017 में एक आदमी जिसके पिताजी मुख्यमंत्री थे, जिसके पिताजी मुख्यमंत्री थे, जो विदेश में पढ़ाई करके आए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका घर भी गंगा जल से धुलवाया था कि नहीं धुलवाया था? धुलवाया था, भूल तो नहीं गए?
अपमानित करने के लिए तो किया, क्या अपमान का बदला नहीं लेंगे? भारत का संविधान इंसान इंसान को बराबर करता है और तुम जाति के नाम पर लड़ाते हो। इसलिए मैं कहने आया हूं, आज यही समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने पीडीए की बात की, और हमारे बड़े भाई ने अभी बहुत अच्छी सूचना दी। पीडीए की बात केवल भाषण में नहीं करते, उनकी तरह वो तो कहता है कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं। अरे भाई ओबीसी हो तो मंडल कमीशन का नाम कभी लिया? नौजवान जानते होंगे, ओबीसी हो तो बताओ कि आरक्षण दिया हमको बराबर का क्या? ओबीसी हो तो क्या प्रोफेसर कितने? जाति जनगणना क्यों नहीं कराते? जाति जनगणना करा के सबको सबका हिस्से काट देना चाहिए। तो आपका वोट उसको मिलेगा जो जाति जनगणना कराने की बात करता है, करेगा कि नहीं करेगा? आपका वोट उसको मिलना चाहिए जो शिक्षा की बात करता है, नौकरी देने की बात करता है, अग्निवीर को खत्म करने की बात करता है, और जो लूट और झूठ की सरकार है इसको बदलने की बात करता है। इतनी ही बात कहने आया हूं, छोटे छोटे झगड़े, छोटी छोटी चीजें हमारी अगर आपस में हो तो कुछ समय के लिए उसको मिटा और भुला दीजिए, भुला दीजिएगा। हर जाति बिरादरी के लोग एकजुट हो जाइएगा। जब आपके नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जो पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए केवल भाषण में नहीं देते, आज उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो पहले प्रदेश अध्यक्ष कौन थे? श्री नरेश उत्तम पटेल जी थे, ओबीसी समुदाय से आते, और उनके जब चुनाव लड़ने चले गए तो उनकी जगह पे किनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया? श्यामलाल पाल जी हैं, जो अति पिछड़े समुदाय से आते हैं। ये होता है एक समाजवादी नेता का विजन। जानते हैं अब तक जितना टिकट दिया है उनमें से 80% से ज्यादा टिकट पीडीए को दिया है, इसलिए ओरिजिनल अगर कोई हमारा है तो वो समाजवादी। और आपके जिले में भी देखिए, हर जिले में ये होता है, आपके जिले से 10 साल जो सांसद रहा उसका पता नहीं रहा होगा कहाँ हो क्या कर रहे हो। कई जगह गांव में जब घूम रहा हूं मैं पूछा कि भैया तो सांसद को पहचानते हो? कहा कब लौका ही नहीं, दिखाई नहीं दिया तो पहुंचाने कहां। लेकिन इस बार एक नए व्यक्ति को मौका मिला है, कम समय था उनके पास। भाई बड़े भाई ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनको दोहराता हूं, इस बात में मत रह जाना कि वो हमारे गांव वोट मांगने आए कि नहीं, इस बात में मत रह जाना कि हमसे बोले कि नहीं बोले, क्योंकि समय कम मिला। बताओ सही कह रहा हूं कि नहीं? आप बड़े सम्मानित लोग हैं, ये बताइए अगर चुनाव में समय कम मिला तो जितनी बड़ी लोकसभा हर गांव जा पाना संभव है क्या? नहीं है। लेकिन आज का चुनाव आदरणीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करने का चुनाव है कि नहीं? आज का चुनाव इन झूठ और लूट की सरकार को दिल्ली से हटाने का चुनाव है कि नहीं? है ना। इसलिए गांव में जब खेत पकता था तो आग लग जाती है कभी कभी दुर्घटना से, गांव में गेहूं जब पक जाए तो दुर्घटना से आग लग जाती है। तो आग जब फैलती है तो क्या मेड़ देखती है क्या? बताइए जब सब सम्मानित लोग बैठे हुए, मेड़ पहचानती है? नहीं, जिधर से हवा चलेगी आग जल्दी चली जाएगी। क्या जब आग लगती है तो खेत पहचानती है क्या कि किस जाति बिरादरी का खेत है? तो आग जब लगती है देश में तो किसी जाति धर्म को नहीं पहचानती। महंगाई की आग, बेरोजगारी की आग, भ्रष्टाचार की आग, ये बलात्कारियों को टिकट दे रहे हैं उसकी आग, ये नफरत की आग। संविधान का पानी डालना है कि नहीं? सामाजिक न्याय और समाजवाद का पानी डालना है। हम आग को मिलकर बुझाएंगे, और किसानों को कर्जा माफ, किसानों को आमदनी बढ़ाने की बात, एमएसपी देने की बात, नौजवानों को रोजगार देने की बात, उनको मजबूत करेंगे कि नहीं मजबूत करेंगे? बताइए हाथ उठा करके, साइकिल को मजबूत करेंगे कि नहीं करेंगे? आप सबसे निवेदन है 7 मई को वोट पड़ने जाए, 13 मई को इतना वोट डालिएगा। प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, हमने कई जगह सुना भाई साहब कि कई लोगों ने बताया कि उन्होंने कई जगह पर कहा कि भाई गरीब घर का आदमी है उनका मुफ्त में इलाज कर दिया डॉक्टर नवल किशोर साहब के, पढ़ाई कराते हैं हमारे, हम जानते हैं विचारधारा के आदमी, इसलिए गांव गांव घूम रहे उनके लिए, क्योंकि विचारधारा का आदमी, नया आदमी अगर मजबूत होगा, इस चुनाव में कोई कमी रह जाएगी जीत करके आएगा, मैं वादा करता हूं आपके दरवाजे पर आपकी मदद के लिए खड़ा मिलेगा, इसलिए मैं उनके समर्थन मिले आपसे। और दूसरी बात,
कि केवल प्रत्याशी देखने का समय नहीं है, आपको दिल्ली की कुर्सी पे देखना है। अगर आप चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन बने, इसका निर्णय अगर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव ले, तो उसके लिए अखिलेश यादव जी को देख करके, आदरणीय नेता जी को देख करके, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को देख करके 13 मई को इतना वोट दबाइएगा कि दिल्ली की कुर्सी बदल जाए और तब जाकर के। आखिरी बात, एक और बात, वोट डालना, जितना मशीन में जाएगा उतने वोट गिना जाएगा, अगर मशीन में वोट नहीं गया तो वोट नहीं गिना जाएगा। इसलिए सुबह उठकर पहला काम अपना भी वोट डालना है और अपने साथ दो चार लोग जिनको जरूरतमंद है उनकी मदद करके वोट डालवाना भी। सुबह वोट से मोहर नहीं है अब चाचा, उमा तो आपके साथ कोई जाएगा वो बता देगा, जिन पर साइकिल बनी रहेगी, विश्वास नहीं। एक बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात है, चाचा ने कहा कि मशीन में विश्वास नहीं है, ये बताओ बात सही है कि नहीं सही। जब एक बात बताओ, मशीन अगर इतना ही सही होती तो जिस देश में मशीन बनी वहां भी चुनाव मशीन से होता ना, मशीन तो सबसे बड़ा लुटेरी है। लेकिन चाचा अब समय नहीं है उसका कि मशीन बदले, अब तो उसी मशीन पे वोट डालना है, तो उसका एक ही रास्ता है, इतना ज्यादा वोट साइकिल पर डाल दो कि किसी की हिम्मत ना हो कि उसमें कोई घपला और घोटाला कर दे, एक तरफा आप जीत जाओगे, इसका हम वादा कर दिया। अगर आप 2 लाख ज्यादा वोट डाल दोगे तो 2 लाख वोट का घपला कोई नहीं कर पाता, लेकिन अगर 5,000-10,000 का मार्जिन होगी तो लूट लेगा कोई, ये बात सही है कि नहीं। इसलिए भारी संख्या में वोट डलवाना है। और आखिरी बात, 4 जून को वोट की गिनती होगी, 4 जून को वोट की गिनती होगी, जब तक वोट डाल करके अपना अगर काम फाइनल मान लिए तो भी कोई फायदा नहीं होगा, अगर गिनती गलत हो गई तो बताओ क्या होगा। मैं अभी पिछले कार्यक्रम में जहां गया था भाई साहब, वहां पर एक प्रधान जी थे जो कई बार से प्रधान थे, लेकिन गांव वालों ने बताया कि इस बार 1 वोट से उनको चुनाव हरवा दिया गया। सब जानते हैं, देखिए चाचा, लेकिन इस बार तो और ज्यादा करेंगे ना, इसलिए 4 जून को जब गिनती होगी तो पहरेदारी करना अपने वोट की, ताकि कोई आपके वोट को लूट ना ले। ठीक है, इसी आवाज के साथ, क्या आप सब 13 मई को भारी संख्या में साइकिल पर मुहर लगा करके डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को विजयी बनाएं, और दिल्ली में बैठी इस लुटेरी सरकार को, झूठों की सरकार को, बहरूपियों की सरकार को तुरंत दिल्ली से हटा करके अपने बच्चों का भविष्य बचा ले, इसी का निवेदन करने आया हूं। आप सब अपने झगड़े को कुछ दिन के लिए भूल जाइएगा, कोई मनमुटाव हो, कोई बात हो तो उसको कुछ दिन के लिए भूल जाए। गांव में पहले शादी ब्याह होता था तो घर घर से चरपाई मांगी जाती थी, है ना, चौका बेलन मांगा जाता था, बर्तन मांगा जाता था, और पूरा गांव में कोई मनमुटाव भी होता था तो जिस दिन शादी ब्याह होती थी सब लोग उसके दरवाजे पर खड़े होते थे कि हमारी बहन बेटी की इज्जत का सवाल है, हमारी मोहब्बत से ये दुनिया रहने लायक बनी। और आज कुछ लोग उसमें नफरत भर रहे हैं, जाति को जाति से लड़ा रहे हैं, धर्म को धर्म से लड़ा रहे हैं। तो हमें एक वादा करना है, किसी भी लड़ाई में हमें पड़ना, हमें संविधान को हाथ में लेकर वोट की ताकत से इन बहरूपियों को दिल्ली की सरकार से बदलना है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, 5 साल में मौका मिला है रोटी को पलट देना, वरना रोटी खाने लायक नहीं बचेगी। इसी बात के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।